हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट से 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। सबसे जल्दी फटाफट हम जितनी भी आज की न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें मेन न्यूज़ रहेंगी वोडाफोन आइडिया की AGM से रिलेटेड, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा GMM फोर्डलर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, और HLE ग्लासकोट का देखेंगे, विप्रो को, और जो भी और अन्य न्यूज़ है, जो भी हमारा जो जो पैकेज मिलना है, जो फाइनेंशियल पैकेज है, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज का निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न। तो आज देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 में आज हमें थोड़ी सी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 पहले तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, आप देख सकते हो 11,300 के आसपास चल रहा था, फिर से वही 2:30 से 3:30 बजे के बीच में फिर से गिरावट देखने को मिली, और जो क्लोजिंग हुई आप देख सकते हैं 11,247 के आसपास है। हालांकि 25 पॉइंट की तेजी है, बट इतनी शानदार रिकवरी अभी भी नहीं देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, BSE सेंसेक्स। तो अगर आपको पता है निफ्टी 50 पॉजिटिव होगा तो BSE सेंसेक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही ग्रो करता है। तो BSE सेंसेक्स में भी आज हमें 94 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। लो देख सकते हैं आप 37828 का था, और हाई भी देख सकते हैं 38236 का था। तो दोस्तों, एक बार हम DJI डाउ जोन्स कैसा चल रहा है, तो आज का देख सकते हैं आप, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में बहुत शानदार रिकवरी चल रही है। आप देख सकते हैं 400 पॉइंट के अब ऊपर चल रहा है, फिर भी आपको रात में ट्रैक करते रहना है, क्योंकि इंडियन मार्केट आपको पता है आजकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाउ जोन्स को, मतलब कि US की मार्केट को फॉलो करती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बातें आ रही हैं ट्रेड वॉर से रिलेटेड, कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में जो भी मेटल सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। तो हो सकता है कि हमारे जो मेटल सेक्टर के शेयर हैं, जैसे मिदानी, ऐसे जो अच्छे शेयर्स हैं, उनमें थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी बातें हैं, जो भी ट्रेड वॉर से रिलेटेड बातें हैं, वो काफ़ी सामने आने लग गई हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की AGM से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया AGM, टेलकोस डिसीजन टू स्पेंड ऑन रीब्रांडिंग IPL एमिड फाइनेंशियल वॉस फेसिस शेयर होल्डर स्क्रूटनी। तो वोडाफोन आइडिया के AGM में जो भी आज शेयर होल्डर ने बेसिकली यही बातें उठाई, उन्होंने बोला कि आप रीब्रांडिंग और जो आपने IPL में जो इतना पैसा आपने खर्चा है जो को स्पॉन्सरशिप में, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि इससे कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि बेसिकली कंपनी ने 800 करोड़ के आसपास रीब्रांडिंग और जो जो IPL की को स्पॉन्सरशिप में जो ड्रीम इलेवन के साथ जो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसमें इनका पैसा गया है। तो इसी विषय में इन्होंने काफ़ी जवाब भी दिए। इवन टक्कर साहब का भी लेटेस्ट 8 बजे के अराउंड बयान भी आया, वो भी हम देख लेंगे, जो कंपनी के CEO हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द डिसीजन ऑफ BIL टू स्पेंड मनी ऑन रीब्रांडिंग एंड IPL मार्केटिंग व्हेन इट इज़ करंटली इनकरिंग लॉसेस एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ September 30। तो AGM में यही बोला शेयर होल्डर ने कि आप IPL में और इसके अलावा आप रीब्रांडिंग में इतना पैसा क्यों खर्च रहे हो, तो क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी लॉसेस में है। तो कुमार मंगलम जो KM बिरला जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा विच ओन्स BIL विद वोडाफोन सेड टैरिफ कंटिन्यू टू बी द लोएस्ट इन इंडिया। उन्होंने कहा कि अभी इसमें ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि वोडाफोन आइडिया इस साल के अंत तक कुछ टैरिफ भी बढ़ा सकते, तो उन्होंने कहा कि टैरिफ अभी कुछ ऐसा बयान नहीं दिया कि टैरिफ बढ़ेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि टैरिफ लोएस्ट ही रहेगा इन इंडिया वाइल द कंजम्पशन इन द कंट्री इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा लॉकडाउन के टाइम पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट उन्होंने अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि जिससे कि हमें ये देखने को मिले कि आने वाले टाइम में टैरिफ बढ़ सकता है। दोस्तों, जब तक टैरिफ नहीं बढ़ेगा तब तक कंपनी को ARPU भी हमें बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत से एनालिस्ट की बातें भी देखी, उन्होंने बोला है कि अगर आज के टाइम में टेलीकॉम सेक्टर को या फिर कोई भी कंपनी उसको सर्वाइव करना जो टेलीकॉम से रिलेटेड है, उसका ARPU 200 से अबव होना चाहिए, वहीं वोडाफोन आइडिया का 120 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू CNBC TV18 बिरला एडिट दैट द एजिया ड्यूज हैव एडिट टू द फाइनेंशियल वॉस ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर एंड दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजोल्व द फाइनेंशियल वर्डन थ्रू स्टैगर्ड पेमेंट विच हैव बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, हमें उस चीज़ की भी टेंशन है कि किस हिसाब से हमें AGR ड्यूज चुकाने हैं, बट हमें उस टाइम पीरियड भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुका है। द डॉट इज आल्सो लुकिंग टू रिस्टोर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेक्टर थ्रू ए 2-year मोरेटोरियम। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी इनको कुछ मोरेटोरियम पीरियड दे सकता है, जिसमें इनको बेसिकली इंटरेस्ट ही पे करना होता है, पूरा प्रिंसिपल पे नहीं करना रहता। तो काफ़ी चीज़ें कंपनी के हक में आती है देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज एक्सप्लोरिंग वेरियस एवेन्यूज फॉर रेजिंग एडिशनल फंड टू इंश्योर एडिक्वेट कैश फ्लो फॉर स्टेबल ऑन गोइंग वैल्यूएशन ऑपरेशंस। तो हो सकता था कि काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि AGM में किसी ये इन्वेस्टर का नाम अनाउंस करे, बट एज सच कुछ बड़ा इन्वेस्टर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और OFS की भी संभावना थी कि क्या होता कंपनी OFS लेकर आ जाए, बट OFS की भी न्यूज़ अभी ऐसा कुछ हमें इस AGM में देखने को अभी तक नहीं मिली है। दूसरी न्यूज़ डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, जो टक्कर साहब की तरफ से है। वोडाफोन आइडिया CEO डिफेंस ब्रांड इंटीग्रेशन सेज नेटवर्क इज 5G रेडी। तो वोडाफोन आइडिया के CEO ने कह दिया कि जो इनका नेटवर्क है वो 5G के लिए रेडी है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। वोडाफोन CEO रविंदर टक्कर ऑन वेडनेसडे सेट द
कंपनीज नेटवर्क इज 5G रेडी एंड डिफेंड द कंपनीज रीब्रांडिंग एक्सरसाइज आफ्टर शेयर होल्डर रेस्ट कंसर्न अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कोर्स इन द वेक ऑफ कंटिन्यूस लॉसेस। तो इन्होंने उसका भी सपोर्ट किया जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर ने उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो उसको भी उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए सारी चीज़ें समझाई कि क्यों कंपनी ने रीब्रांडिंग को पैसा खर्चा, क्योंकि कंपनी अब वोडाफोन और आइडिया टोटली मर्ज हो चुकी है, इंटीग्रेट हो चुकी है, अब ये नया ब्रांड, इसलिए इन्होंने वी ब्रांड के नाम से, जिसको बेसिकली वी आपने देखा भी होगा, बहुत स्टोर्स भी हैं वहाँ पे वी लिखा हुआ होना, हिंदी में भी हिंदी वर्डिंग में भी लिखा होना स्टार्ट हो गया, और इसके अलावा VIB हमने हर जगह 101% सारे स्टोर पे आपने देख लिया होगा। अब ये BI का जो इनका ऑफिशियल सिंबल है वो लग चुका है। टक्कर सेट द कंपनी हैज़ अपग्रेडेड इट्स कैपेबिलिटीज टू इंक्लूड फीचर्स विच आर पोर्ट ऑफ 5G आर्किटेक्चर वुड बी एबल टू रोल आउट द सर्विसेज आफ्टर ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा है कि जो इनकी पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि 5G जो इजिली यूज़ कर सकते हैं, इनके पास वो आर्किटेक्चर है, और जैसे ही स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगी तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया यहाँ पे हमें कूदता हुआ इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ रन हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक शानदार न्यूज़ है, कंपनी बिल्कुल सर्वाइवल के लिए रेडी है और कंपनी 5G में भी कूदने को तैयार है। तो 5G के किस हिसाब से रेट्स वगैरह होंगे, टैरिफ वगैरह होंगे, वो तो हम आने वाले फ्यूचर में देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी AGM में ऐसी हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिली, तो अच्छी हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल सा AGM रहा है आज इनका। ही सेट वोडाफोन आइडिया इज वर्किंग विद द डिपार्टमेंट टेलीकॉम ऑन द इशू एंड होप्स टू रिसीव स्पेक्ट्रम फॉर ट्रायल सून। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे असाइन हो जाता, कोई बड़ा इन्वेस्टर का नाम सामने आता, तो अच्छा हो सकता था कि शेयर हमें बहुत तेजी के साथ मूव करता हुआ भी देखने को मिल सकता था। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे अभी डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है GMM फोर्डलर सिलेट। तो GM फोर्डलर शेयर्स हिट अपर सर्किट ऑफ 5% राइज 10% इन 2 डेज। तो अभी पहले वोडाफोन पहले आपने GMM फोर्डलर में देखा होगा किस हिसाब से लोअर सर्किट लगते लगते जैसे इसका फ्लोर प्राइस 3500 रखा हुआ था 3400 के आसपास आया, अभी फिर से कंपनी में अपर सर्किट स्टार्ट हो गए हैं। कंपनी की खुद की तरफ से डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है कि कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कंपनी ने खुद कहा है कि उनका जो क्वार्टर वन है वो बहुत शानदार गया है और आने वाले क्वार्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और GMM फोर्डलर आपको पता है ग्लास सेक्टर में मोर देन 50% मार्केट शेयर कैप्चर्ड है। तो GMM फोल्डर में आज हमें 5% का फिर अपर सर्किट देखने को मिला। आप देख सकते हैं 2 दिन में शेयर काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुका है। तो एज पर डाटा अवेलेबल ऑन द एक्सचेंजेस प्लस वेल्थ मैनेजमेंट LLP एक्वायर्ड 1.65 शेयर्स इन द लेक शेयर्स इन एट द कंपनी एट ₹3528 पर शेयर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी सारा इनका जो पैसा है वो ₹3500 के आसपास जो इनका ऑफिस आया था वहाँ पे काफ़ी म्यूचुअल फंड ने भी हो सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी। जो भी इस कंपनी के जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो हमें NSE और BSE पर वो जो भी शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में कितना गया है और किस किस इन्वेस्टर ने कितना यहाँ पे एलोकेशन ली है शेयर्स की। इसके अलावा दोस्तों HLD ग्लासकोट उसमें भी आज हमें फिर से अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। GMM फोल्डर और HLD ग्लासकोट आप देख रहे होंगे बिल्कुल साइड बाय साइड जा रहे हैं। आज अगर GMM फोर्डलर में अपर सर्किट था तो HLD ग्लास में भी था। तो ये दोनों कंपनियां अभी नंबर वन और नंबर टू पे एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि HLD ग्लासकोट तो बहुत छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू GMM फोर्डलर, बट फिर भी वो कंपनी को भी आपको चाहिए तो नज़र में रख सकते हैं HLD ग्लासकोट को भी। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, विप्रो टू ऑफर प्रमोशंस टू हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज इन डिसंबर। तो विप्रो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी कंपनीज यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे इवन सैलरी कट कर रही हैं, वहीं विप्रो हाई परफॉर्मर को यहाँ पे अच्छा प्रमोशंस और अच्छा सैलरी पैकेज देने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली विप्रो के शेयर पे आप नए रख सकते हैं। हालांकि ये लो बीटा स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक क्या होता है जो स्लोली स्लोली मूव करते हैं, बट ये डिविडेंड और बोनस स्प्लिट कभी कभी इतना ज़्यादा देते हैं कि आपके काफ़ी टाइम के लिए आपको अमीर बना सकते हैं ये शेयर। तो आप चाहें तो विप्रो में हल्की हल्की क्वांटिटी उठा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है विप्रो। नेक्स्ट न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है तो आप देख सकते हैं रोजनेफ्ट सऊदी अरब को अनलाइकली टू विद इन BPCL प्राइवेटाइजेशन। तो आपको पता है जिस हिसाब से BPCL में गवर्नमेंट स्टेक सेल करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको BPCL को हो सके तो अभी के लिए अवॉइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ये BPCL का शेयर बिल्कुल न्यूज़ बेस हो चुका है। भई हम देखें रोजनेफ्ट और सऊदी अरेमको ने अभी अनलाइकली दिखाया, अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो BPCL के प्राइवेटाइजेशन के लिए, BPCL में स्टेक बाई करने के लिए। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेटबैक भी देखने को मिले BPCL में, बट आप चाहें तो BPCL को अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, रिलायंस इंडिया शेयर राइजेज एज जनरल अटलांटिक टू इन्वेस्ट ₹3675 करोड़ इनटू रिटेल बिजनेस। तो रिटेल, अब पहले आपको याद होगा कि रिलायंस के जियो में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुई थी, अब रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है। आज देख सकते हैं आप, फिर से जनरल अटलांटिक आ चुका है 3675 के आसपास, और भी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आ सकती हैं। तो हो सकता है कि हमें फिर से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में तेजी देखने को मिले। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर अच्छा शेयर है, अगर आपको यहाँ पे अच्छा डिविडेंड, और अगर बाई चांस ये शेयर स्प्लिट होता तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आप चाहें तो एक दो शेयर लेकर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, और अभी हो सकता है कि अभी इसमें रिलायंस रिटेल में जब एक बार इन्वेस्टमेंट का दौर स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे डेली के नए नए इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो हम ऑलरेडी रिलायंस जियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, कैम्स ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल्स 15% अहेड ऑफ लिस्टिंग। तो कैम्स का जो IPO था उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 15% और गिर चुका है अहेड ऑफ लिस्टिंग से पहले। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि अभी मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से वीक चल रहे हैं, आप चाहें तो जितने भी IPO आ रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी दिशा में हमने देखा कि कैम्स का जो IPO का प्रीमियम बोला जा रहा था कि 350 से 400 के बीच में जाएगा, वहीं वो अब 280 के आसपास रह चुका है। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, अभी अगर आपने इसमें बाइंग करके रखी हुई है या फिर अगर आपका IPO निकला तो इसको कंटिन्यूसली आप ट्रैक करते रहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं, वैसे तो कैम्स कंपनी शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी डेफिनेटली परफॉर्मिंग कंपनी है। इस फिस्कल स्टिमुलस ऑन कार्ड्स बाय दिवाली FMC तरमन हैज टू दिस टू से। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें फिर से फिस्कल जो भी फाइनेंशियल स्टिमुलस देखने को मिले दिवाली तक, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट डाउन हो चुकी है, लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित कर दी, आपको पता है बहुत से बिजनेसिस इवन ठप होने के कगार पे आ चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ हमें स्टिमुलस पैकेज, जो भी जिसको बेसिकली फाइनेंशियल पैकेज भी कहते हैं, कुछ आता हुआ देखने को मिले वाइट दिवाली तक। तो अगर दिवाली तक कुछ ऐसा पैकेज आता है तो डेफिनेटली हर सेक्टर के लिए अच्छा चीज़ हो सकती है। इवन आप देख सकते हैं सीतारमन ने आज टोल्ड द इकोनॉमिक टाइम्स, आई हैव सेड दैट आई हैव केप्ट इन माई माइंड ओपन अबाउट इट। तो अभी भी इन्होंने अभी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि जो भी इकोनॉमिक पैकेज आप कह सकते हैं फिस्कल, जो भी फाइनेंशियल पैकेज फिस्कल पैकेज आने की चांसेस हैं। इसलिए मार्केट भी अभी बिल्कुल गिर नहीं रही है, थोड़ा सा ग्रीन में ही चल रही है, क्योंकि आशा लगाई जा रही है कि अच्छा पैकेज यहाँ पे आ सकता है, बट एक्चुअल में क्या रहेगा वो सब हम जब भी ये पैकेज आएगा तो हम एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो थैंक यू।